कोई कामयाबियों के पीछे, कोई इज्जतों के पीछे, कोई दौलतों के पीछे, कोई शोहरतों के पीछे, सब यह है इसमें एक इंसान जिसे अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करने के बाद इस किताब को उस पर फर्ज किया। उस इंसान ने लाखों किताबें लिखी, लाखों किताबें रटी, ध्यान नहीं दिया तो इसी को ध्यान नहीं दिया जिसमें उसकी सारी जिंदगी, सारी आखिरत छुपी हुई है। और परेशान सिर्फ इस वजह से है कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, राहतें मुयस्सर नहीं है, कोई कामयाबी हाथ नहीं आ रही। अरे यार, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को इग्नोर करके कामयाबियों, इज्जतों और सुकून के पीछे हम, कभी इस किताब को भी गम बना कर देखो, इस किताब को भी कभी अपनी टेंशन बना के देखो। हो सकता है तुम्हारा और मेरा सीना खुल जाए, हो सकता है हमें अपनी गलतियां रियलाइज हो जाए। कभी दो आंसू इस याद में भी बहा लो कि यार 20-25-30 साल हो गए लेकिन आज तक मुझे ये ही नहीं पता चला कि मेरे अल्लाह ने मुझसे क्या बात की है, मेरे अल्लाह ने मेरी तरफ कौन से मैसेजेस भेजे। अमल करना ना करना वो तो बाद की बात है, पढ़ तो लो, समझ तो लो, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो दौर पिछला दौर था जिसमें लोग कुरान को अहमियत देते थे, अल्लाह की बातों को अहमियत देते थे,